तो हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस, आज हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का जो हम डिस्कस करते हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स का वोकैबुलरी का, तो आज हमारा डे नंबर 7 है। 10 वर्ड जो है 10 मिनट्स में हो जाते हैं आपके गाइस। तो ये हिंदी और उर्दू में दोनों में आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे हिंदी में पीपीटी में लिखा रहता है और उर्दू में मैं आपको साइड पे लिख के दे देता हूँ गाइस। तो ये वोकैबुलरी आपके सीजीएल, जेकेएसएसबी, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, यानी कि आजकल के देखो जो भी गाइस एग्जाम होते हैं ना, तो वहां पे इस वोकैबुलरी का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है वहां पे वोकैबुलरी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, छोटी वीडियो होती है गाइस, तो आपको मजा आने वाला है। तो गाइज, ये हमारी वीडियो का आज का पहला वर्ड है जॉल्ट। क्या है गाइज? जॉल्ट ये वर्ब है, इसका मीनिंग होता है हिंदी में गाइज ऐंठना, किसी चीज को कन्वल्स करना, यानी कि उर्दू में इसका मीनिंग अगर देखें गाइज तो वो होता है जॉल्ट करना, झटका लगना। ठीक है, तो इसका मीनिंग डिस्टर्ब कर देना किसी चीज को, जार कोई चीज चल रही है इसको डिस्टर्ब कर देना। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या है गाइज? काम रहना, कंफर्ट में रहना। इसको अगर सेंटेंस में यूज करें तो हिज स्टेटमेंट जॉल्टेड मी इन माई माइंड, उसकी स्टेटमेंट ने क्या किया मेरे दिमाग में ऐसा झटका लगा दिया। ठीक है, उसने शायद ऐसी बुरी स्टेटमेंट कह दी होगी, उससे क्या हो गया उसके माइंड में एक झटका सा लग गया। देखो अक्सर हमारे माइंड में भी क्या होता है, कोई अगर ऐसी बात कर देता है तो हम कहते हैं यार मेरे को तो झटका लग गया। ठीक है, उसकी बात सुन के मेरे को झटका लग गया। तो देखो गाइज, ये हमारी वीडियो का आज का दूसरा वर्ड है डिफाइल करना। क्या है गाइज? डिफाइल होना, यानी कि अपवित्र करना। ठीक है, ये भी वर्ब है, करप्ट करना किस चीज को। ठीक है, अगर उर्दू में इसका मीनिंग देखें तो गाइज वो हो जाता है हमारा नापाक। क्या कहते हैं इसको उर्दू में मीनिंग? नापाक। ठीक है, जो कोई चीज पाक नहीं है, पवित्र नहीं है। ठीक है, साइनोनिम्स इसका क्या है गाइज? डिग्रेड करना किसी चीज को, डिस्करेट करना। ठीक है, कोई सी चीज को अपवित्र करना। ठीक है, अगर इसका एंटोनिम्स हम अगर देखें गाइज तो वो है ऑनर करना, किसी चीज को पाक करना, किस चीज की बड़ाई करना, तारीफ करना, प्रेज करना गाइज। ठीक है, इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करें तो वो क्या होता है? ही ट्राइड टू डिफाइल द सिस्टम। ठीक है गाइज, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप इन वर्ड्स को याद रखने के लिए ना एक चीज कर सकते हो, आप अपने से भी कोई ट्रिक यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैंने इस वर्ड की ट्रिक बनाई है के फाइल को डिफाइल नहीं करना चाहिए। क्या? फाइल को डिफाइल नहीं करना चाहिए, यानी कि जो फाइल होती है हमारी, चाहे वो लैपटॉप में हो, कंप्यूटर में हो, इवन कि आपके फोन में भी जो फाइल होती है उसको डिफाइल नहीं करना चाहिए, यानी कि इसको करप्ट नहीं करना चाहिए। देखो इसकी ट्रिक से ये वर्ड कितना इजी हो गया गाइज। अगला वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। देखिए गाइज, ये है हमारा अगला वर्ड कोवर्ट। क्या है गाइज? कोवर्ट। तो पिछली एक वीडियो में भी ये वर्ड यहाँ पे आया था, तो आज फिर से आया है, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो कोवर्ट गाइज, कोवर्ट का मीनिंग होता है गुप्त। क्या होता है गाइज? गुप्त, हिडन, जो छुपा होता है, उर्दू में कहेंगे इसे खुफिया। ठीक है, आपने सुना होगा गुप्तचर, आजकल रामायण चल रही है तो वहां पर देखा होगा कि कहते हैं कि हमारा गुप्तचर वहां गया। ठीक है, यानी कि कोवर्टली जाते हैं वो, अंडर कवर ऑफिसर, अक्सर मूवीज में हम सुनते हैं कि ही इज एन अंडर कवर ऑफिसर। ठीक है, वो एक अंडर कवर ऑफिसर है, सीक्रेट। ठीक है, राज वाली कोशिश जो होती है। इसका एंटोनिम्स अगर हम देखें तो गाइज ओपनली नॉन, जिसको सब जानते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ रा के ऑफिसर जो होते हैं इनको कोई नहीं जानता है। ठीक है, आईबी के ऑफिसर्स को कोई नहीं जानता है, तो वैसे ही कोवर्ट को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, बिहाइंड हिज सॉफ्ट बिहेवियर ही हैज सम कोवर्ट इंटेंशंस। उसके सॉफ्ट बिहेवियर के पीछे क्या था? उसके कुछ सीक्रेट इंटेंशन थे। यानी कि देखो, कोई आदमी अगर हमारे पास आता है वो मीठा मीठा हमारे साथ रहता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उसके इंटेंशंस क्या हैं, उसके हमारे लिए विचार क्या हैं। ठीक है, तो आप वैसे भी इस वर्ड को याद रख सकते हो गाइज। ठीक है, तो अगला वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। देखो गाइज, ये है हमारा आज का अगला वर्ड वीडियो का, वो है वर्बोज। क्या है गाइज? वर्बोज, ये एक एडजेक्टिव है, इसका होता है वाचाल। ठीक है, यानी कि बोल चाल किसी का, वर्डी जो होता है। ठीक है, यानी के उर्दू में देखें तो उर्दू में भी इसे कहते हैं शब्द बहल। ठीक है गाइज, यानी के गैबी सर्क्यूम लोक्यूट्री। ठीक है, सर्क्यूम लोक्यूट्री। अगर इसका एंटोन में हम देखें गाइज तो वह कंसाइज करना, किस चीज को स्निक्ट करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें तो ही इज अ वर्बोज मैन। ठीक है, ही इज अ वर्बोज मैन, तो वर्डी है ये। ठीक है, क्या है? वर्डी, जो अच्छा बोलचाल में अच्छा होता है। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक मैं यहाँ पे आपको गाइस बता दूं,
आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी और उससे आपको ये जो वर्ब है यानी कि जो वर्बोज वर्ड है आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। वर्ब तो सब जानते हैं गाइस, वर्ब के बारे में सब जानते हैं। वर्ब याद रखने के लिए, आदमी को वर्बोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस? वर्बोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्बोज होना चाहिए, यानी क्योंकि अच्छा आदमी बोल चाल में है उसको तो वर्ब्स भी याद रहेंगे। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगला वर्ड देखते हैं। तो देखिए गाइस, ये है हमारी वीडियो का अगला वर्ड, हेरेटिक। क्या है गाइस? हेरेटिक, ये एक नाउन है गाइस, जिसे हम कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं गाइस? नास्तिक, स्किस्मैटिक, स्किस्मैटिक। ठीक है, ये क्या होता है उर्दू में अगर इसका हम मीनिंग बोलें वो होता है वाव रे दाल में छोटी मी वरदमी। ठीक है, यानी कि सनाउन में इसका हम देखें तो वो है अपोस्टेट, पैगन। एंटोनिम्स देखें वो है बिलीवर, फॉलोअर। देखो मैं आपको बताता हूं, जो नास्तिक लोग होते हैं, ठीक है, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। ठीक है, जो ईश्वर में यानी कि जो गॉड में क्या करता है, जो गॉड को मानता उसे हम कहते हैं आस्तिक, जो नहीं मानता उसे हम कहते हैं नास्तिक। ठीक है, उसे अपोस्टेट भी कहते हैं, पैगन भी कहते हैं, यानी कि मानने वाला, बिलीव करने वाला, फॉलो करने वाला। ठीक है, तो इसको अगर हम सेंटेंस में गाइज यूज करें तो एज अ रिलैप्स्ड हेरेटिक, ठीक है, एज अ रिलैप्स्ड हेरेटिक ही वॉज लेफ्ट टू द सेक्युलर आर्म। ठीक है, मतलब कि देखो, एक होता है कम्युनल, ठीक है, एक होता है गाइस सेक्युलर। ठीक है, कम्युनल होता है उसकी अपनी विचारधारा होती है, सेक्युलर जो है उसकी अपनी विचारधारा होती है। तो उसके हेरेटिक जो उसका क्या था, उसका जो ऐसा स्वभाव था, जो हेरेटिक था वो नास्तिक था, इसलिए उसको सेक्युलर आर्म की तरफ भेज दिया गया। ठीक है गाइज, ये था हमारा पांचवा वार्ड। अगला वार्ड देखते हैं गाइज क्या है। तो गाइज ये है हमारी वीडियो का छठा वार्ड, हिदर टू। क्या है गाइज? हिदर टू, इसका मतलब होता है अब तक, यानी कि प्रीवियसली, अभी तक, जो हो चुका है अब तक। ठीक है गाइज, तो साइनोनिम्स क्या है इसका, वो है फॉर्मरली, अभी तक जो हो चुका है, अर्लियर, ठीक है, अभी तक, पहले। एंटोनिम्स क्या होगा इसका, अभी तक है तो बाद वाला होगा, आफ्टर होगा। एग्जाम्पल, अगर इन सेंटेंस में उसको हम यूज करें इस वर्ड को, आई कन्फेस, मैं मानता हूं दैट आई हैव हिदर टू इंडल्ज वेरी लिटल इन माई अदर वेंचर्स। तो अभी तक मैंने क्या किया है, अभी तक मैं दूसरे वेंचर में भी क्या था, इंडल, थोड़ा थोड़ा उनमें भी मैं इंडल्ज था। ठीक है गाइज, ये था हमारा हिदर टू। अगला वर्ड देखते हैं क्या है। अगला वर्ड है गाइज हमारे पास एक्सटॉल। क्या है गाइज? एक्सटॉल वर्ब। क्या है ये? एक वर्ब है, तो इसका मीनिंग होता है बड़ाई करना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। ठीक है, उर्दू में भी आप इसको बोल सकते हो कि बड़ाई करना। ठीक है, ग्लोरीफाई करना किसी को। इसका सिनोनिम देखिए अगर हम, तो क्या है? अपलाउड करना, सेलिब्रेट करना, किसी की तारीफ करना। ठीक है, इसका उलट देखे तो क्या करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, उसको हर बात को, उसकी हर एक बात में खामी निकालना, ठीक, कमी निकालना उसकी बात में, तो कास्टिगेट करना। तो इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे गाइस, प्रभात एक्सटोल्ड द वर्चुज ऑफ द रशियंस। प्रभात ने क्या किया, जो रशियंस थे उनकी वर्चुज को क्या किया, बड़ाई की, यानी उनके बारे में अच्छी बातें कही, यानी उनको ग्लोरीफाई किया, उनकी प्रशंसा की, तारीफ की। गाइस, एक्सटोल का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, ग्लोरीफाई करना, तारीफ करना। ठीक है, ये है हमारा आठवां वर्ड, यानी कि डीक्रेपिट्यूड। क्या है गाइस? डीक्रेपिट्यूड ये एक नाउन है, यानी कि जीरंता। ठीक है, कोई चीज जब डीके होती है, वो सड़ने लगती है, उसे कहते हैं हम डीक्रेपिट्यूड। ठीक है, साइनोनिम क्या है इसका गाइस? फीबलनेस, इनफॉर्मिटी। एंटोनिम्स क्या है गाइस इसका? स्ट्रेंथ, यानी कि उसमें फिर से एनर्जी आना, फिर से ऊर्जा आ जाना उसमें। तो इसको अगर सेंटेंस में गाइस यूज करें तो क्या है, गीता हैड पास डायरेक्टली फ्रॉम मिडल एज इनटू डेक्रेपिट्यूड। ठीक है, तो क्या है गाइस, गीता जो है वो डायरेक्टली मिडल एज से क्या पहुंच गई, डेक्रेपिट्यूड पहुंच गई, कि डिके में पहुंच गई। ठीक है, ये था हमारा आठवां वर्ड। तो अगला वर्ड देखते हैं गाइस हमारा क्या है। देखो गाइस, ये है हमारा वीडियो का अगला वर्ड, सैक। क्या है गाइस? सैक ये नाउन है, ये होता है निकाल देना किसी को, डेस्क्रेट करना। ठीक है, डेस्क्रेट करना। साइनोनिम क्या है इसका? डिमोलिश करना, डिवेस्टेट करना। ठीक है, डिवेस्टेट कर देना किसी को, तबाह कर देना। ठीक है,
एंटोनिमस क्या है इसका गाइस? बनाना किस चीज को कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि अगर किस चीज को अगर हम तबाह करेंगे तो उसका उलट क्या हो गया, बनाना, बनाना फिर तबाह करना, तबाह करना फिर बनाना, ठीक है। तो आज को हम सेंटेंस में यूज करें तो गाइस क्या होता है, चेतन सैक्ड हिज आइडियोलॉजी थारोली। तो चेतन ने क्या किया है, जो उसकी आइडियोलॉजी जो थी, जो उसका ख्याल था, उसने उसको अच्छे से क्या कर दिया है, थारोली उसने उस आइडिया को निकाल दिया है, ठीक है गाइस। तो ये है हमारी वीडियो का आज का आखिरी वर्ड जो है एब। क्या है गाइस? एब होता है नाउन। क्या है गाइस? नाउन है ये प्रतिपगमन। क्या है गाइस? प्रतिपगमन। ये क्या है, इसका मीनिंग होता है रिग्रेशन। क्या होता है गाइस? रिग्रेशन। उर्दू में अगर इसका मीनिंग हम देखें तो उसे हम कहते हैं गाइस उर्दू में इसका मीनिंग बाटा, ठीक है, यानी कि एबेटमेंट करना, बैक फॉलो करना, ठीक, इस चीज को कम करना, ठीक है, रिग्रेस करना। इसका एंटोनिम्स देखें तो किस चीज को इम्प्रूव करना, किस चीज की ग्रोथ करना, किस चीज को बढ़ाना, ठीक है। इसका एब आएगा किस चीज को नीचे के ले जाना, तो इम्प्रूव करना इसका उल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हिज माइंड वॉज फिल्ड विद अम्प्टीन क्वेश्चन। क्या है गाइज? हिज माइंड वॉज फिल्ड विद अम्प्टीन क्वेश्चन, कि उसका माइंड जो था वो कुछ ऐसे क्वेश्चन के साथ भरा हुआ था, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और इस वीडियो से कुछ वर्ड्स आपको सीखने को भी मिले होंगे। तो गाइज वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, अगर हमारी एफर्ट अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। शेयर करना वीडियो को ना भूलें गाइज अपने फ्रेंड भी, ताकि वो भी ऐसे कुछ वर्ड सीख सके। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए गाइज, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखता हूँ, ठीक है। और आप हमारा फेसबुक का एक ग्रुप है, वहां भी जुड़ सकते हो जुप्टर क्लासेस के नाम से, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है गाइज। तो हमारी एक वेबसाइट भी है, यहाँ पे आपको क्विज आपको मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ पे जाके आप इस पे विजिट कर सकते हैं, कुछ आर्टिकल लिखे रहते हैं उनको पढ़ सकते हैं गाइज, आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, कुछ वहां से भी कुछ सीख सकते हैं आप। तो क्योंकि लाइफ का नाम ही कुछ सीखना है, नई चीज सीखनी है। तो गाइज इट वॉज ऑल अबाउट आवर टुडे वीडियो, थैंक यू।